मुजफ्फरनगर में बन रहे पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 AB के निर्माण में थाना तितावी क्षेत्र में 3 धार्मिक स्थल पिछले काफी समय से बाधा बन रहे थे, जिनके चलते हाईवे निर्माण कार्य भी धीमी गति से चल रहा था। इसी को लेकर उपजिलाधिकारी सदर परमानंद झा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पहले तितावी स्थित पीर को ध्वस्त किया, उसके बाद तितावी थाने में स्थित मंदिर को भी हटाया गया। वहीं पानीपत खटीमा राष्ट्रीय मार्ग पर ही धोलरा बस स्टैंड पर एक मंदिर को भी हटाया गया। SDM सदर परमानंद झा ने बताया कि पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 709 AB का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 2 मंदिर और 1 मज़ार हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे थे, जिसकी वजह से हाईवे के निर्माण कार्य भी धीमी गति से चल रहा था। इसके बाद आज हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे इन धार्मिक स्थलों पर 1 मज़ार और 2 मंदिरों को आज हटवाया गया, क्योंकि ये सरकारी भूमि पर बने थे, निर्माण कार्य में बाधा बन रहे थे। इसी वजह से इनका हटाना बेहद ज़रूरी था। इन धार्मिक स्थलों की समितियों को भी पहले ही प्रशासन द्वारा नोटिस दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि गांव पिन्ना में भी एक धार्मिक स्थल को चिन्हित किया गया है, उसी को भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 3 धार्मिक स्थलों ग्रामीणों ने स्वयं हटा लिया है। सर, हाईवे का निर्माण चल रहा था, कुछ धार्मिक स्थलों को हटाया गया, कौन कौन से धार्मिक स्थल से कहाँ से उनको हटाया गया सर? पानीपत खटीमा मार्ग पर एक गांव है धौलरा और एक गांव है तीता, इन दोनों जगहों पर धार्मिक स्थल बने हुए थे, लोगों के आस्था का केंद्र था वहाँ, बहुत 25-30 वर्ष पुराने वहाँ पर स्ट्रक्चर था। हम लोगों ने पहले उसका निरीक्षण किया और उनके प्रबंधकों को, उनके जो संचालक हैं उनको मैंने नोटिस भी दिया था और बताया भी था कि ये स्वयं इसमें हटवा लें, लेकिन जब उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, अतः पानीपत खटीमा मार्ग सही ढंग से तुरंत जल्द शीघ्र निर्माण हो, इस कारण कल यह निर्णय लिया गया। और जो रास्ते में अवरोध थे, विशेषकर एक धार्मिक स्थल था पीर के नाम से, खुशहाल पीर के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोगों ने हटाया है। दूसरा जो है थाना परिसर में मंदिर बने हुए थे, उसमें भी आंशिक भाग उसकी जद में आ रहा था, उसको भी हम लोगों ने हटाया है। इसके अतिरिक्त धौलरा में भी एक मंदिर था, उसकी दीवार हटाई गई है और उनको 5-7 दिन का समय दिया गया है कि स्ट्रक्चर बनाकर ये जो मूर्तियाँ हैं भगवान की उसको स्थापित करा लें, ताकि हम इसको कराएं। सर, जहाँ जहाँ से हटाए गए सर, वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ उन्हें जगह दी जाएगी अब दोबारा? जैसे पीर तो उसके पीछे ही भूमि उनकी व्यक्तिगत भूमि थी, तो उसमें ही उसको शिफ्ट कराया गया है। मंदिर के लिए जो है थाना परिसर में ही एक भूमि उपलब्ध कराई गई है, तो उसमें हम लोग निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त जो धौलरा में है उसको भी चयन कर लिया गया, कल ग्राम प्रधान को भी बुलाकर भूमि गौशाला के बराबर में ही उसको चिन्हित कराया गया है। और पिन्ना गांव में भी एक हम लोगों ने चिन्हित किया है, वो भी 1 हफ्ते में ही वो उसका भी हटना तय। कितने धार्मिक स्थल हो गए सर डेवलप हो रहा है? मेरे हिसाब से 6 धार्मिक स्थल हैं, 3 हम लोगों ने हटवा दिए, 3 और ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।